नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से राजेश्वर सिंह होलकर जी के समक्ष आए हैं। जो हमारी एक श्रृंखला है ग्रहों के ऊपर, उसी में हम शुक्र ग्रह के महत्व और शुक्र ग्रह स्थिति है हमारी कुंडली में, और शुक्र ग्रह से ही जो उसके उपाय हैं उसके ऊपर हम आज उनसे चर्चा करेंगे। पर जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है कुंडली से संबंधित जी, वो उसका हमसे कुछ जानकारी साझा कीजिए। जी जी ठीक है। देखिए, नवग्रह में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह में शुक्र ग्रह को स्थान मिला है जी। और नवग्रह में यदि कोई स्त्री ग्रह है तो वो शुक्र ही है जी। और शुक्र ग्रह वैभव के दाता माने गए हैं। यश और वैभव शुक्र की कृपा से मिलता है, और यह ज्योतिष में प्रधानत है पत्नी का कारक है यह ग्रह शुक्र जो है। और शुक्र अलग अलग भावों में अपने फल देते हैं, लेकिन शुक्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि कोई भी ग्रह शुक्र की दृष्टि को काटता नहीं है, शुक्र के प्रभाव को काटता नहीं है। और इस पर आपको हो सकता है थोड़ी हंसी आ जाए कि जिस तरीके से कॉमन व्यवहार में कोई भी व्यक्ति स्त्री की बात को काटता नहीं है जी, उसके दिमाग में रहता है कि बात काट दूंगा तो ये प्रसन्न नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये पुरुष का स्वभाव होता है कि स्त्री चाहे कुछ भी कह रही हो वह उसकी बात नहीं काटेगा, क्योंकि दिमाग में ये रहता है कि इसको खुश रखना है। पुरुष की ये कमजोरी है कि वो सामने स्त्री को खुश देखना चाहता है अपने व्यवहार से। इसी तरीके से सब ग्रहों की इच्छा है कि शुक्र जहां पर देखते हैं या शुक्र पर उनकी दृष्टि होती है तो शुक्र की पर पड़ने वाली दृष्टि दूसरे ग्रह की कभी शुक्र के प्रभाव को नुकसान नहीं करती, बल्कि उसके प्रभाव में इजाफा कर देती है, उसे बढ़ा देती है। शुक्र की ये खूबी है। तो हमने जैसा कि आपको बताया, नौ ग्रहों में शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनको जो स्त्री ग्रह माने गए हैं, और हैं ही स्त्री ग्रह। अच्छा, शुक्र के दो राशियों पर अधिपत्य है, वृष राशि पर और तुला राशि पर। तुला इसकी त्रिकोण राशि है, त्रिकोण राशि में ग्रह को ज्यादा पावर मिलती है। तो इस तरीके से शुक्र दो राशियों के अधिपति, जिन लोगों की राशि वृष और तुला होती है उनके अधिपति शुक्र ही होते हैं। और सामान्यतः ये आप पाएंगे कि जिस कुंडली में भी शुक्र मतलब इस तरीके से इन राशियों के स्वामी होंगे, और दूसरे तरीके से चंद्रमा वृष या तुला राशि में होंगे, तो वो लोग और लोगों की तुलना में अधिक संपन्न और अधिक रिसोर्सेज वाले, रिसोर्सेज मीन्स इकोनॉमिक, अर्थ कमाने वाले होते हैं, क्योंकि शुक्र का अपना वो है। अब अलग अलग भाव जो है कुंडली में 12 भाव हैं, और 12 भाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है शुक्र के लिए। अलग अलग भावों में इसके बहुत फल होते हैं। मान लीजिए किसी कुंडली में शुक्र प्रथम भाव लग्न में है, तो वह अपने ही सप्तम भाव को देखता है वहां बैठ करके। काल पुरुष की कुंडली में सातवां घर उसी को मिला है, तो पत्नी बहुत सुंदर आएगी, लग्न में शुक्र है। अब क्योंकि शुक्र को किसी के पूजा पाठ कर्म धर्म से कोई मतलब नहीं होता, यदि वास्तविकता में जाए तो शुक्र अय्याशी चाहता है। यानी आदमी जितना अय्याशी टाइप का होगा ये जान लो कि उसका शुक्र उतना ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। तो शुक्र में ये बहुत बड़ी, शुक्र काम का प्रतिनिधि है। अब द्वितीय भाव में आइए, द्वितीय भाव में शुक्र होता है, तो द्वितीय भाव में शुक्र एक बात की पक्की गारंटी देता है, क्योंकि द्वितीय भाव उसकी स्थिर राशि का भाव है, वृष का भाव है, कि द्वितीय भाव में शुक्र होगा तो लड़की हो या लड़का हो उसका विवाह जरूर होगा, वो कुआरा नहीं रह सकता। अच्छा, विवाह अवश्य होगा, वाणी का धनी होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, और पहनावे उड़ावे का बेहद शौकीन होगा, और जिंदगी में अफेयर बहुत होगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 70-80 वर्ष की उम्र तक अफेयरबाजी चलती है जिन लोगों की कुंडली में दूसरे घर में शुक्र होता है, और वो इसकी परवाह नहीं करते। एक और यहां पर शुक्र की बहुत बड़ी खूबी है, द्वितीय भाव में शुक्र व्यक्ति को काव्य रचना का यानी कविता पाठ का या रचना करने का बहुत बड़ा गुण देता है।
जो प्रसिद्ध कवि होते हैं या काव्य संग्रह प्रकाशित होते हैं जिन लोगों के, उनका शुक्र प्राय द्वितीय भाव में होता है। गायक भी जो है शुक्र के दूसरे भाव में होने पर बनते हैं लोग। प्रसिद्ध गायकों के जो शुक्र था वो आप देखेंगे अलग अलग गायकों की कुंडली में, या तो दूसरे घर पर उनकी नजर होगी या द्वितीय भाव में शुक्र बैठे होंगे। तो इस तरीके से शुक्र का द्वितीय भाव में ये प्रभाव है। दूसरा, व्यक्ति को धनाढ्य बना देता है, दूसरे भाव में धन का कारक भी बन जाता है। तो द्वितीय भाव का शुक्र पहले भाव की तुलना में ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पहले भाव का शुक्र जो है व्यक्ति को पथभ्रष्ट ज्यादा करता है, द्वितीय भाव का ऑलराउंड बनाता है, यानी वह सब भोगों का भोग भी करता है और धर्मनिष्ठ भी बना रहता है। अब आते हैं तीसरे भाव पे। तीसरे भाव में जब शुक्र आते हैं तो व्यक्ति को बहुत अधिक पराक्रम देते हैं, व्यक्ति बहुत अधिक हिम्मती हो जाता है और उसका साहस बढ़ाने के लिए महिलाएं बहुत आती हैं, है ना। और ये घर में पत्नी भी हो सकती है, जिन लोगों की पत्नी बहुत बोल्ड बहादुर होती हैं उनका शुक्र प्राय तीसरे घर में होता है। यहां पर ज्योतिष एक बात के लिए आगाह जरूर करता है कि जिन लोगों की कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र हो उन लोगों को अपना आवास अपने नाम से नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो उससे बहुत अधिक दिक्कतें उनके सामने आ सकती हैं। अब देखिए, तीसरे भाव में जब शुक्र बैठा होता है तो भाग्य स्थान को देखता है, तो ऐसे लोगों की किस्मत का रोड़ा महिलाओं की मदद से दूर होता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी नौकरी करता है और कहीं वो उलझन में फंस जाता है और कोई जेंट्स अधिकारी उसको परेशान कर रहा है, और मान लीजिए उसी डिपार्टमेंट में या वहीं पर कोई दूसरी प्रभावशाली महिला है और वो उसे रिक्वेस्ट करता है, जरा भी रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि शुक्र का तीसरे घर में है, तो वह उसके उस कष्ट को या उस बाधा को निश्चित तौर पर खत्म करा देगी। वो शुक्र कराता है, क्योंकि शुक्र भाग्य को देख रहा है, यानी भाग्य को आगे बढ़ाने में महिलाओं की मदद ऐसे व्यक्ति को बहुत मिलती है, ठीक है ना। अब चौथे घर में आते हैं, चौथा सुख भाव है। यहां पर जब शुक्र आता है तो एक से अधिक पत्नी का सुख देता है। मतलब आपने देखा ना, किसी किसी की दो दो बीवियां होती हैं, बहुत से तो छुपे रुस्तम तीन तीन बीवियां भी रखते हैं, मान लीजिए। अब हम मानी के चलेंगे तो वहां चौथे भाव का शुक्र इस तरह की स्थिति को डेवलप करता है, लेकिन सुख बहुत देता है। उदाहरण के लिए, जब शुक्र इसका कारक नहीं होगा तो सृष्टि रुक जाएगी, इसीलिए शुक्र इस चीज को धर्म अर्म से नहीं जोड़ता। विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई तो शुक्र के कारण हुई, मेनका प्रकट हुई वो शुक्र का रूप थी, उन्होंने कहा तुम्हारी तपस्या इधर हुई, किनारे कर दी हमने, और फिर शकुंतला का जन्म हुआ। शकुंतला का तो जन्म हुआ था, उसके पुत्र भरत हुआ, फिर एक युग का आरंभ हुआ। ये लंबी हिस्ट्री बनी, किसके कारण बनी? शुक्र के कारण बनी। आजकल बहुत चल रहा है, या लड़कों में अफेयर करते हैं, लड़के अफेयर करते हैं, तो जब उनका ये अफेयर रिकॉर्ड पर चलता है तो न तो वो एक दूसरे का सो कॉल्ड तथाकथित कुल धर्म देखते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं जी। उसका कारण क्या है? उनकी कुंडलियों में शुक्र की बहुत मजबूत स्थिति, शुक्र प्रेरित करता है, शुक्र कहता है कि यही धर्म है, इसके बगैर सृष्टि नहीं चलेगी। तो शुक्र सृष्टि का कारक है, सुखों का भी कारक है, जैसा कि हम बता चुके हैं। चौथे भाव में शुक्र बैठा होता है तो व्यक्ति बहुत शौकिया होता है सुंदर से सुंदर वाहनों का, अच्छी से अच्छी गाड़ियां जिन लोगों पे होंगी उनका शुक्र चौथे घर में मिल जाएगा, आप ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से चौथे भाव तक हमने अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। अब आते हैं हम पांचवें घर में। पांचवा घर कला और विद्या का है। पांचवें घर में जब शुक्र बैठा होता है तो व्यक्ति मूर्तिकार, पेंटर, संगीतकार इस तरह का होता है, फैशन डिजाइनर इस फील्ड में रचना करता है वो। जैसे उसने कोई गीत लिखा, वो गीत उसका फिल्म में चल गया, हिट हो गया, लिखा उसने और उस पर
जो एक्टिंग कर रहे हैं या उन पर जो रिहर्सल कर रहे हैं वो दूसरे लोग कर रहे हैं, तो इतनी कला की शक्ति उसके हाथ में आती है। पेंटर होना, दुनिया उसकी पेंटिंग देख रही है, या किसी स्पेशल क्षेत्र में म्यूजिक का एक्सपर्ट हो जाते हैं ऐसे लोग, बांसुरी वादन में माहिर हो गए, तबला वादन में माहिर हो गए, जो अनेक वाद्य यंत्र हैं उनके जो विशेषज्ञ होते हैं वो पंचम भाव में स्थित शुक्र के कारण होते हैं। लेकिन यह शुक्र एक निगेटिविटी देता है यहाँ समाज की सोच के अनुसार। यदि पांचवें घर में शुक्र मजबूत है तो व्यक्ति कितना ही प्रयास कर ले शायद ही उसके घर में लड़के का जन्म होगा। कन्याओं का अवतरण होता है ऐसे व्यक्ति के यहाँ। पंचम भाव में बैठा शुक्र कन्याओं का सुख देता है, पुत्र का नहीं। और जो कन्याएं आएंगी वो इस स्तर की आती हैं कि वो लड़कों से भी ज्यादा उसका नाम रोशन कर देती हैं। शुक्र इनको इतनी क्षमता देता है, तो ये शुक्र की खूबी है। तो अब मैडम हम आते हैं छठवें भाव पर, छठवां घर। जी, छठवां घर वास्तव में ज्योतिष में रोग स्थान है, लेकिन यहां पर जब शुक्र आता है तो रोग नहीं देता। शुक्र एक ग्रह ऐसा है जो छठवें भाव में आकर के व्यक्ति को रोगग्रस्त नहीं करता। वजह, यहां से वह बारहवें भोग स्थान को देखता है। बारहवां घर भोग स्थान है, सुखों का भोग करने वाला। तो छठवें घर में भी शुक्र जब किसी की कुंडली में बैठे होते हैं तो उसको नाना प्रकार के सुख देते हैं, नाना प्रकार के सुख, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, ठीक है ना। और अब फिर वही बात आ जाती है स्त्रियों का सुख, और यदि किसी स्त्री की कुंडली में है तो पुरुषों का सुख। शुक्र ये भेद नहीं करता कि मैं किसकी कुंडली में बैठा हूं, लड़के की में या लड़की की में, वहां बैठा जो फल करेगा उसे करना होता है। तो छठवें भाव के शुक्र जो है भोग प्रदान करने वाले माने गए हैं। तो ये छठवें भाव के जो शुक्र है महत्वपूर्ण है। हम अब सप्तम भाव में आते हैं, ये उन्हीं का घर है। सातवें घर में जब शुक्र आ जाते हैं तो यहां एक बहुत बड़ी बात पैदा होती है। पत्नी बहुत बहादुर होती है। सातवें घर में शुक्र जिस व्यक्ति का होगा या जिस महिला का होगा तो उसका जो पार्टनर है वो बहुत बोल्ड होता है, बहुत बेहद हिम्मती। सातवें घर का शुक्र बहुत बोल्ड पार्टनर देता है। अगली बात क्या करता है, सातवें घर में जब शुक्र होता है तो निश्चित तौर पर एक से अधिक महिला या पुरुष उसकी जिंदगी में आते हैं, क्योंकि शुक्र है, एक से पेट नहीं भरने देता आदमी का, मोटी भाषा में कहा जाए। वो कहता है कि नहीं, उसकी पत्नी चाहे कितनी सुंदर हो, फिर सोचेगा कि एक और सुंदर पत्नी हो। तो शुक्र सप्तम भाव में बैठ करके एक से अधिक पार्टनर देता है, और चौंकाने वाली बात है दोनों में से किसी को नुकसान नहीं करता। दोनों जब तक वो आदमी जिंदा रहता है तब तक उसके जीवन से जुड़े रहते हैं, चाहे पत्नी के रूप में जुड़े रहें या अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े रहें, शुक्र उनको जुड़े रहता है। अब अष्टम भाव, क्योंकि अष्टम भाव एक्चुअल में ज्योतिष में दुखों का भाव है, यहां पर दुखों के बादल उठते रहते हैं व्यक्ति की जिंदगी में। अष्टम भाव पर दृष्टि रखना ज्योतिष में बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब बहुत उथल पुथल या कष्ट की स्थिति पैदा होती है तो विद्वान ज्योतिषी को या विद्वान ज्योतिषी जो होते हैं वो आठवें भाव का अध्ययन करते हैं कि उस समय उस घर की स्थिति क्या चल रही है। अब बात आती है कि इस भाव में यदि शुक्र हो तो क्या होता है। तो अष्टम भाव में शुक्र जब आते हैं तो दारुण प्रकार के रोगों से कष्ट देते हैं। अच्छा, शुक्र भी अगर अष्टम भाव में हो तो? हाँ जी, बहुत कष्ट देता है। और विशेष करके मतलब कहना चाहिए जो सेक्सुअल डिजीज होती है उनका कारक बन जाता है। अष्टम भाव का जो शुक्र है भोग कारणों से रोग पैदा करता है,
और अष्टम भाव का शुक्र जो है कष्ट देने के लिए एक तरीके से आता है। अभी आप ध्यान दें, अभी थोड़ी देर पहले हमने कोई कुंडली देखी थी तो उसमें शुक्र आठवें घर में था और कष्ट आपके सामने है जी, है या नहीं है? हाँ जी। तो अष्टम भाव में शुक्र जो होता है वो रोगों से बहुत वेदना देता है, कष्ट देता है, यानी वो पूर्व जन्म के किन्हीं अशुभ कर्मों का फल देता है। इस तरह अष्टम भाव में शुक्र जो आते हैं एक तरीके से खराब कर्मों का फल देने के लिए आते हैं। आगे चलते हैं, शुक्र यदि नौवें घर में बैठ गए हैं तो ये भाग्य स्थान है। यहां पर भाग्य को बहुत एक्सीलरेट करते हैं। यहां पर शुक्र का अकेले होना बहुत शुभ है। कुछ ज्योतिष के विद्वान शुभ नहीं मानते, लेकिन हम अपने अध्ययन पर और बहुत विद्वानों के साहित्य को पढ़ने के बाद हम उन विद्वानों के साथ हैं कि नवें घर में शुक्र बहुत शुभ और अच्छे फल देते हैं, कदम कदम पर भाग्य साथ देता है व्यक्ति का। तो नवम भाव में शुक्र जब होते हैं तो व्यक्ति बहुत धर्म के कार्य भी करता है। और यहां पर शुक्र जो है स्त्री देवताओं की आराधना ज्यादा करता है। जैसे लोग, आपने देखा है कि हम वैष्णो जी के मंदिर जाएंगे या वहां जाएंगे, जैसे जाएंगे वैसे लोग दुर्गा जी के या स्त्री देवताओं के मंदिरों में ज्यादा जाना पसंद करते हैं। तो नवम भावस्थ शुक्र का प्रभाव उनके ऊपर होता है, वो स्त्री देवताओं की शरण में जाते हैं और वहां पर बैठा शुक्र एक काम और करता है, सौभाग्य के बादल उठाता रहता है। नौवें घर में शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति के जिंदगी में सौभाग्य के बादल उमड़ते रहते हैं, सौभाग्य उमड़ता है नवम भाव में शुक्र बैठे रहने पर। तो नवम भाव में शुक्र की ये बहुत बड़ी महिमा है। अब आते हैं हम दसवें घर में, यह राज्य का स्थान है, नौकरी पेशा का स्थान है, रोजगार का स्थान है। जब शुक्र इस भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति जो है फैशन डिजाइनिंग, कपड़ों के व्यापार से या कॉस्मेटिक के सामान से या फिल्मों में एक्टिंग करके, मॉडलिंग का काम करके, ठीक है ना, इस तरह के काम करके धन कमाता है, या म्यूजिशियन बन जाएगा जैसे फिल्मों में म्यूजिशियन होते हैं। और विशेषकर दसवें भाव में जो शुक्र का रोल है वो एक्टर का है। यदि किसी बिजनेस से हटकर कोई काम है तो व्यक्ति जो है नकल करने में माहिर होता है। हाँ, तो तभी तो एक्टर बनता है भाई। आपने गांधी जी पे फिल्म बनाई, एक्टिंग करी, ठीक है ना, तो किंग वेन किंग्सले सचमुच ही गांधी बन गए। फिल्म देखिए, कोई शक करेगा कि गांधी जी नहीं है? तो ये क्या है, शुक्र का कमाल है। दिलीप कुमार जिस में ढलते थे वो उसी में ढल जाते थे, तो ये उनके शुक्र का कमाल था। तो शुक्र जो है नकल कराता है, और शुक्र जितना मजबूत होगा व्यक्ति उस करेक्टर में हूबहू वैसे ही उतर जाएगा और नेम एंड फेम हो जाएगी उसकी। तो टेंथ हाउस का जो शुक्र है नेम एंड फेम देता है कला के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में और वस्त्रों के व्यापार से, इन सब चीजों से व्यक्ति को माला माल करता है। ये शुक्र का फल है। अब बात आती है ग्यारहवें घर की, ये आय स्थान है, आमदनी का स्रोत। तो यहां पर दोनों ही बातें आती हैं, कुछ बातें अप्रिय हैं, अप्रिय सेंस में के अंगेश दा सोसाइटी होती हैं, और कुछ ऐसी हैं कि वो ठीक हैं बहुत। जब ग्यारहवें घर में शुक्र महाराज होते हैं तो व्यक्ति इत्र का व्यापार करता है, कॉस्मेटिक की चीजों का निर्माण करता है, इस तरह की बातें उसके उसमें आती हैं। लेकिन यहां शुक्र निगेटिव है, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग
कहीं ले जाकर महिलाओं को सेल कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो महिलाओं के माध्यम से मतलब अनर्गल तरीके अपना करके धन कमाता है, क्योंकि शुक्र को इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या कार्य कर रहे हो, उसे तो यह है कि मैं तुझे धन दे रहा हूं। तो ग्यारहवें घर का शुक्र अनैतिक कार्यों से धन भी उपलब्ध करा देता है, और जिन लोगों की कुंडली में ये शुक्र होता है वो इस तरह के कार्य करने से बिल्कुल झिझकते नहीं, क्योंकि ग्रह की प्रेरणा होती है। अब आता है, आप चौंक जाएंगे, कुंडली का शुक्र के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण भाव यह है बारहवां भाव। बारहवां भाव वो है कि यहां शुक्र महाराज व्यक्ति को धन वैभव ऐश्वर्य देने में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, उसे अरबपति खरबपति बना देते हैं। शुक्र यदि छप्पड़ फाड़कर धन वर्षा करते हैं तो बारहवें घर में बैठ करके करते हैं, यह उनका सर्वाधिक प्रिय घर है, क्योंकि यह भोग स्थान है। और जब कोई व्यक्ति बहुत महापुण्य और वो करके जन्म लेता है तो शुक्र बारहवें घर में बैठ जाते हैं कि ले मैं तेरे पुण्यों का तुझे अपार सुख देता हूं। तो बारहवें घर में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है, यह शुक्र महाराज की महिमा है। अब बात आती है कि क्या शुक्र के फलों में कुछ कमी या बढ़ोतरी हो सकती है, तो ज्योतिष कहता है कि हाँ इसका प्रभाव पड़ता है। शुक्र के फलों में बढ़ोतरी कब होती है, यदि कुंडली में शुक्र किसी भी भाव में केतु के साथ है तो उसके फल में चौगुना इजाफा हो जाता है। वहां मान लीजिए 1 रुपए का मुनाफा दे रहा है तो फिर वहां 4 रुपए का हो जाएगा। शुक्र केतु के साथ अपने फल को चौगुना बढ़ा देते हैं निश्चित तौर पर। अब जैसे बारहवें घर की बात चल रही थी या दूसरे की चल रही थी, जिन भावों में उसने बंपर फल दिए और वहां केतु भी बन जाए तो उसको कहेंगे सोने पर सुहागा, सुप्रीम पोजीशन। तो शुक्र का, शुक्र के साथ केतु का होना अति शुभ होता है, अद्वितीय फल मिलता है। तो ये अब बात आती है कि शुक्र के फल क्या कम भी होते हैं क्या घट भी जाते हैं। हाँ, शुक्र फल केवल एक स्थिति में ही कम देता है कुंडली में, जब वो अपनी कन्या राशि में हो यानी नीच राशि में आ जाए तो व्यक्ति को सड़क पे पैदल कर देता है शुक्र। कहते हैं ना कि अर्श से फर्श पर गिरा देता है, आपने सुना होगा। तो बहुत संपन्न फैमिली, बहुत बड़ी कोई फैमिली, लेकिन उसमें ऐसा कोई आदमी हुआ कि कुछ ऐसा हुआ कि साहब कल तक तो इनके बहुत बड़ा हिसाब किताब था, हम तो रोटियों के लाले पड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कन्या राशि में है। और शुक्र ज्योतिष कहता है शुक्र कन्या राशि में कब आते हैं, अपने पूर्व के जन्मों में अपनी पत्नी को बहुत अधिक कष्ट देकर आया है, उसको बहुत अधिक परेशान किया है, अथवा महिलाओं पर अत्याचार किया है, महिलाओं को धोखा दिया है, उनकी संपत्ति का हरण किया है, तो शुक्र ग्रह कन्या राशि में आते हैं और इस तरह का दंड देते हैं कि उसकी संपन्नता प्रभुता सब धूल में मिल जाती है। तो कन्या के शुक्र को देखकर यह समझा जा सकता है कि एक दिन जरूर इस व्यक्ति के जीवन में आना है कि ये पैदल हो जाएगा। शुक्र इस बात की कुंडली में कन्या में बैठ करके पूरे संकेत देते हैं। अब बात आती है कि क्या इसका कोई उपचार भी है जी, तो ज्योतिषी को चाहिए
कि वो इस संबंध में संबंधित को सलाह दे कि वो महिलाओं का बहुत सम्मान करे, पत्नी का बहुत आदर करे, उसे बहुत प्रसन्न रखे और विशेषकर बुजुर्ग महिलाओं की बहुत इज्जत करे, उन्हें उपहार भेंट करे। तो शुक्र के फलों में इस तरह के जो नुकसान देने वाले फल हैं या निगेटिव जो रिजल्ट हैं उनमें बहुत कमी आ जाएगी। खत्म तो नहीं होगा, दंड तो मिलेगा ही, कुछ कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन ज्योतिष है इसलिए जी। भाई ज्योतिष वेद का तीसरा नेत्र है और इसका साथ लेकर के आप अपने जीवन को सहज बना सकते हैं। तो जब ये लगा है कि शुक्र हमारे पूर्व जन्म के खराब कर्मों का इस वजह से संकेत दे रहा है, तो उस वजह को मिनिमाइज करने के लिए उससे संबंधित जीव को यानी पत्नी को, महिलाओं को हम बहुत अधिक आदर सम्मान दें और उनके मन को कभी न दुखाने वाली कोई भी हरकत न करें, तो शुक्र के जो कुप्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं। अब बात आती है कि कन्या राशि की तरह ही किसी और राशि में भी है शुक्र जो सबसे अच्छा फल देता है, तो शुक्र मीन राशि में सबसे अच्छे फल देते हैं, वह उनकी उच्च राशि है जैसा मैंने आपको बताया जी। मीन राशि में शुक्र तब मिलते हैं जब व्यक्ति बहुत ही पुण्य कमाकर आया होता है, उसने बहुत अधिक पुण्य के कार्य किए होते हैं, दान पुण्य, सामाजिक सेवा और बुजुर्गों की सेवा, महिलाओं का सम्मान और विशेषकर पत्नी को बहुत सम्मान से रखा होता है, समझे जी? जी। तो शुक्र जो है मीन राशि में आते हैं और व्यक्ति को बृहद मतलब सुख देते हैं जैसा मैं बता चुका हूं आपको, और इनका और भी मान लीजिए शुक्र का और, तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है, यानी कुंडली में शुक्र बहुत शुभ भाव में है, इसके साथ साथ मीन राशि में है, तो ये तो तय है कि उसको बहुत अच्छे फल देंगे वो। अब उन फलों में मतलब कोई कमी ना आ जाए तो राय क्या दी जाती है, तो व्यक्ति को चाहिए क्या कि वह महिलाओं का सम्मान करता रहे, पत्नी का बहुत सम्मान करता रहे और गाय की सेवा जरूर करे। अच्छा, अगर महिलाएं हो, जैसे महिलाएं हो मीन राशि वाली, हाँ, उनको शुक्र फल का वो लेना हो, फल लेने हो, हाँ, तो वो अपने परिवार की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं को बहुत सम्मान दें, जैसे सास है जी, माँ है, जो भी बड़ी महिलाएं, हाँ जी, उनको बहुत इज्जत और सम्मान दें, उनको समय समय पर उपहार भेंट करें। दूसरा, महिला होते हुए भी किसी महिला के अधिकार का हनन न करें, उनको कष्ट न पहुंचाएं, जैसे हम अपने स्वार्थ में जी महिला हैं फिर भी हम महिला को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो शुक्र रुष्ट होगा कि मैंने ये कब कहा कि तुम ये करो, क्योंकि वो पूरी तरह महिला के ही कारक है। आपने बहुत सी महिलाओं को देखा होगा कि जब वो स्ट्रेंथ या पावर में होती है तो वो कुछ नहीं देखती हैं, कोई कोई अपनी सास को तंग करके रख देती है जी। और अपने यानी मारी अधिकार में है तो कुछ महिलाओं को भी दंडित कर देती हैं, कारण बनते होंगे एक अलग बात है, लेकिन रुतबा जिताने के लिए किसी को तंग करेंगे बीइंग लेडी, तो उनका शुक्र जो है अपने फल में नीचे आ जाएगा, उनके सामने रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी। तो शुक्र के अच्छे फलों के लिए, जिससे कि वो बिगड़े नहीं, हमेशा महिलाओं का आदर, महिला होती हुई भी अपने से बड़ी महिलाओं का समय आदर सत्कार करें और संभव हो तो अपने जन्मदिन पर, जन्मदिन पर तो खैर वो कोई क्या लेगा, दूसरे मौके आते हैं जैसे कोई फंक्शन हो रहा है, होली दिवाली आ रही है, तो इस बहाने आप उनको मिठाई वस्त्र ऐसी चीजें दे सकते हैं तो शुक्र अत्यंत प्रसन्न होंगे। अब बात आती है कि शुक्र को क्या रत्नों की सहायता से भी जी जी संभाला जा सकता है? जी हाँ, शुक्र का जो मुख्य रत्न है वो डायमंड है, हीरा, लेकिन हीरा भी बगैर कुंडली का विशेषण किए नहीं पहनना चाहिए, इसके लिए
ज्योतिष के विशेषज्ञ की जरूरत है कि कुंडली में शुक्र किस भाव में बैठे हैं। जैसे हमने आपको अभी बताई एक बात कि बारहवें घर में शुक्र बंपर वर्षा करते हैं सुखों की, लेकिन हीरा नहीं बनना चाहिए। हीरा पहनेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 12, 6 और 8 भाव में कोई भी ग्रह बैठा है, कोई भी ग्रह शुक्र के अलावा भी कोई ग्रह है, तो उसका कभी रत्न पहनने की सलाह ज्योतिष नहीं देती, वो हार्मफुल सिद्ध होता है। तो शुक्र सही स्थितियों में हो तो हीरा पहनने से कल्याण होता है। दूसरा, बहुत से लोग हीरा नहीं पहन सकते जी, तो कैसे होगा? तो वो अमेरिकन डायमंड पहन सकते हैं, जैसे हम जरकॉन बोलते हैं, फिरोजा पहन सकते हैं। तो ये शुक्र की महिमाएं हैं। और शुक्र को जैसे और लाभ लेने प्रसन्न करना है तो आप वनस्पतियों में आ सकते हैं। कैसे? आप अपने घर के आते में सफेद रंग के फूल और खुशबूदार फूल लगाइए। खुशबूदार फूल लगाने से शुक्र की कृपा आपके परिवार पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि शुक्र जो है खुशबूदार पुष्पों के लगाने से, पेड़ों के लगाने से प्रसन्न होते हैं, आप अपने फलों को बढ़ा देते हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरी कोशिश संभव है सफल रही हो, कि मैंने शुक्र पर जो अपनी बात कही है, या निश्चित तौर पर जो भी लोग इसे सुनेंगे या अमल करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनको बहुत लाभ होगा और शुक्रदेव की कृपा मिलेगी। धन्यवाद।